प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फाइव कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव कर रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर टेन देखिए सॉल्यूशन करते हैं लेट इट इज वाई हम इसको वाई फंक्शन माना एक्स रेज टू पावर एक्स ऑफ कोस एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र क्या करें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारा क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स कोस एक्स एंड देन प्लस डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन ये तो यू रेज टू तो पावर वी वाला u की पावर v का जब डेरिवेटिव लेते हैं u रेज टू पावर v एंड देन डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या होता था v लॉगअर्थम ऑफ u एंड दिस इज़ u अपॉन v मीन्स क्योसेंट रोल लगाना हमने यहाँ पे तो लगाइए यहाँ पे ये यह वैल्यू एज इज हो जाएगी x रेज टू पावर cos x एंड देन डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेना हमने x cos x इंटू लॉग अर्थम ऑफ एक्स वी लॉग यू यहाँ पे डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी क्वेश्चन रूल में एक्स स्क्र माइनस वन का हम क्या करते हैं स्क्वेयर ये वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्र माइनस वन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन इसका डेरीवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा टू एक्स माइनस ऑफ ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज एक्स स्क्र प्लस वन एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन इज आल्सो टू एक्स सॉल्व करते हैं एक्स रेज टू पावर एक्स कोस एक्स वन टू थ्री यू वी डब्ल्यू तीन फंक्शन है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव वन दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन और तीसरा फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू लोग एक्स एंड देन कोस एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस पहले का डेरिवेटिव होगा दूसरे का अब थर्ड का डेरिवेटिव पहला और दूसरा एज इट इज एक्स कोस एक्स एंड लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाई एक्स इसमें सोल्व करें नीचे तो हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्वायर है यहाँ पे वैल्यू टू एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हमारे बचा एक्स स्क्र माइनस वन यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्र एंड माइनस का वन माइनस हो जाएगा इसको सोल्व करते हैं x रेज टू पावर x ऑफ cos x कोस एक्स इंटू ऑफ थमोफेक्स ये माइनस x साइन एक्स logarithm ऑफ x, यह x, x, x. यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल होगी वैल्यू क्या बची ओनली cos एक्स यहाँ पे एक्सक्वेयर से एक्सक्वेयर कैंसिल हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू दैट इज माइनस ऑफ फोर एक्स अपॉन एक्सक्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर इज योर आंसर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो बहुत ही आसान सा था स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं चलिए अब क्वेश्चन नंबर इलेवन करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन एक्स कोस एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स लेट इसको हमने वाई मान लिया लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स रेज टू पावर एक्स एंड प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स ये क्या बन जाएगा y डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x cos x रेज टू पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x sin x रेज टू पावर वन बाई एक्स डेरीवेटिव लेंगे क्या होगा u रेज टू पावर v वाला u रेज टू पावर v एज इट इज x cos x यूरेजट टू पावर बी का जब हम डेरिवलेटिव डेरिवेटिव uh, लेते हैं तो ये यूरेज टू पावर वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी लॉगर्थम ऑफ यू यही करते हैं सो so, ये हो गया एज इट इज यूरेज टू पावर वी डेरीवेटिव ऑफ वी एक्स लॉगरथम ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स प्लस यहां पे भी सेम यही है यूरेज टू पावर वी सो यू रेज टू पावर वी एज इट इज हो गया वन अपॉन एक्स एंड देन डेरीवेटिव ऑफ वी वन अपॉन एक्स इंटू लोगरथम ऑफ यू लोअरथम ऑफ यू क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स अब हमारे पास यहां पर भी यह दो फंक्शन बन रहे हैं ठीक है सॉल्व करते हैं एक्स इंटू कोश एक्स रेज टू पावर एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे पहला फंक्शन एजट दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमारे पास दो फंक्शन है एक ये हो गया और एक ये हो गया पहले पहले का कर लेते हैं एक्स का क्या हो गया वन दूसरा फंक्शन एजट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स प्लस अब पहला फंक्शन एजट इज जब आप इसका डेरीवेटिव लेंगे पहले लॉगोथम का डेरीवेटिव लोगे तो वन अपॉन एक्स इंटू कोस एक्स लोग डेरीवेटिव अब डेरीवेटिव ऑफ डेरीवेटिव ऑफ एक्स कोस एक्स क्या किया हमने पहला फंक्शन का डेरीवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट इज दूसरे पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरीवेटिव अभी रहता है हमारा यहाँ पे आगे भी ऐसे ही होगा ये वैल्यू हमारे पास एक्स साइन एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स डेरिवेटिव इनटू सॉरी इनटू होगा क्या बनेगा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले फंक्शन का वन अपॉन एक्स का क्या बनता है माइनस वन एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन एज इट इज लॉगरिथम ऑफ एक्स साइन एक्स एंड प्लस प्लस ऑफ पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वन अपॉन लॉगरथम का हुआ तो क्या बन गया x साइन x एंड देन डेरीवेटिव ऑफ x साइन x यहाँ पे अभी हमारा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगना रहता है चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया x cos x रेज टू पावर x हो गया जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई लॉगरथम ऑफ x इन टू कोसेक्स प्लस एक्स से एक्स हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया वन अपॉन कोसेक्स अब हमारे पास यू इन टू वी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मीन्स प्रोडक्ट रूल पहला फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया वन कोशेक्स एज इट इज वन इंटू कोसेक्स प्लस पहला फंक्शन एज इट इज कोशेक्स का हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स हो गया प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स दिस इज माइनस ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्सक्र प्लस वन अपॉन एक्सक्वियर हो जाएगा वन अपॉन एक्सक्वेयर इन इनटू साइन एक्स इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव वन हो गया साइन एक्स एज इट इज एंड प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा कोस एक्स ठीक है वैल्यू लिख दीजिए लास्ट में एक्स कोसेक्स रेज टू पावर एक्स लॉगरथम ऑफ एक्स इन टू कोसेक्स प्लस कोसेक्स अगर हम अलग अलग मैं इसको डिवाइड करता हूँ अंदर जाके अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कोसेक्स से कोसेक्स ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक है और ये हमारे पास माइनस का एक्स साइन एक्स है साइन एक्स अपॉन कोशेक्स हमारे पास एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स बन जाएगा ध्यान दीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोशेक्स से कोशेक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स अपॉन कोश एक्स टेंजेंट एक्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रह गई अब नेक्स्ट प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है ये एज इट इज आ जाएगा लॉगरथम ऑफ एक्स साइन एक्स अपोन स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइनेक्स अपॉन एक्सक्वियर अपोन साइनेक्स साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्र हो गया इससे साइनेक्स से साइन एक्स एंड वन अपोन एक्सक्वेयर प्लस यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा कोसैक्स अपॉन साइन एक्स जो क्या होगा वो कोटेक्स होगा दैट इज कोटेक्स अपॉन और नीचे क्या बचेगा एक एक्स बचेगा दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है चलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे दोनों ही सिंपल जिस भी मेथड से आप करना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो मुश्किल नहीं है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद